भारत आस्था का एक विशाल केंद्र है और यही वजह है कि यहाँ हिंदू देवी देवताओं के कई छोटे और विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया है। भारत में आपको हर गली मोहल्ले में मंदिर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशों में भी ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। आज हम एक ऐसे ही मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये मंदिर भारत से लगभग 4,800 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान विष्णु का यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। ये कंबोडिया देश के अंगकोर शहर में स्थित है। इस मंदिर का पुराना नाम यशोदपुर था, जिसे अब अंगकोर वाट के नाम से जाना जाता है। कुछ वर्ष पूर्व टाइम मैगजीन ने दुनिया के 5 आश्चर्यजनक चीजों में से एक इस मंदिर को भी बताया था। यह मंदिर लगभग 1,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का ये मंदिर इतना खास है कि कंबोडिया राष्ट्र का यह राष्ट्रीय प्रतीक है। कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी इस मंदिर को अंकित किया गया है। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि इंडोनेशिया के निवासी इस मंदिर को पानी में डूबा हुआ मंदिर का बगीचा भी कहते हैं। मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों के बारे में देखने को मिल जाएगा, जैसे अप्सराओं के नृत्य, कलाकृति, असुर और देवताओं के मध्य हुए समुद्र मंथन के दृश्य को भी यहाँ की दीवारों पर अंकित किया गया है। कहा जाता है कि खुद भगवान इंद्र ने महल के तौर पर अपने बेटे के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। अंगकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थलों में से एक है, जो शक्तिशाली खमेर साम्राज्य के बाद शताब्दियों तक घने जंगलों में छिपा रहा। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसका प्राचीन नाम यशोधरपुर था। राजा सूर्यवर्मन बहुत ही धार्मिक विचारों वाले राजा थे और उनकी आस्था भगवान विष्णु में थी, इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित करने के उद्देश्य से करवाया था। ऐसा माना जाता है कि राजा सूर्यवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण अमर बनने की इच्छा से करवाया था। राजा सूर्यवर्मन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके अमर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने लिए इस भव्य मंदिर के रूप में पूजा स्थल बनवाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही पूजा होती थी। मगर इससे संबंधित कई अलग अलग कहानियां भी प्रचलित हैं, जैसे मान्यता है कि देवराज इंद्र ने अपने पुत्र के लिए महल के तौर पर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं यह भी माना जाता है कि राजा महाभारत के युद्ध में उपस्थित थे। वह इस युद्ध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भगवान विष्णु के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया। 13वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री का कहना था कि इस मंदिर का निर्माण केवल एक ही रात्रि में किसी अलौकिक शक्ति से हुआ था, लेकिन इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। विश्व की इस ऐतिहासिक धरोहर अंगकोर वाट मंदिर का संबंध प्राचीन काल के कंबो देश से है, जिसे अब कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। मौलिक रूप से ये मंदिर हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है, जिसे बाद में बौद्ध धर्म का रूप दे दिया गया था। इस मंदिर का हिंदू और बौद्ध दोनों से संबंध होने का प्रमुख कारण भी इसके इतिहास में छुपा हुआ है। कंबो देश में लगभग 27 शासकों ने शासन किया था, जिनमें से कुछ हिंदू थे तो अन्य बौद्ध धर्म को मानने वाले। यही कारण है कि खोजकर्ताओं को कंबोडिया में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां मिलती हैं। वर्तमान में देखा जाए तो कंबोडिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए यहां जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मिल जाती हैं। लेकिन अंगकोर वाट यहाँ का एक अकेला ऐसा स्थान है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही प्रतिमाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, अंगकोर वाट मंदिर की खासियत ये भी है कि भगवान विष्णु का ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की विशाल दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां उकेरी गई हैं। 14वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ बौद्ध धर्म के शासकों का शासन स्थापित हो गया और फिर मंदिर को बौद्ध रूप दे दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म के शासनकाल के बाद कई शताब्दियों तक ये मंदिर लोगों की नजरों में नहीं आया। 16वीं शताब्दी के आगमन से पहले ही खमेर साम्राज्य पर आक्रमण के बादल छा गए। जैसे जैसे आक्रमण का दौर बढ़ता गया, वैसे वैसे अंगकोर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया। और इसके अलावा कई और प्राचीन मंदिर खंडहरों में परिवर्तित हो गए। इसके बाद की सदियों में अंगकोर वाट मंदिर जंगल के अंधेरों में गुप्त हो गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग जनवरी 1860 में एक फ्रांसीसी अन्वेषक और प्रकृति विज्ञानी हेनरी महोत की दृष्टि जब इस मंदिर पर पड़ी, तो वह इस बहुमूल्य, भव्य
और विशाल मंदिर को एक बार फिर विश्व के समक्ष लाए। उन्होंने अंगकोर की लुप्त हुई नगरी को फिर से प्रकाशित कर दिया। अद्भुत कला का नमूना अंगकोर वाट मंदिर। खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित कला वाले इस मंदिर का मुख्य शिखर करीब 64 मीटर ऊंचा है, जबकि इसके अलावा इस मंदिर में 8 अन्य शिखर भी हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। इस मंदिर के चारों ओर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार है। उसके बाहर 30 मीटर खाली जमीन है और उसके बाद 190 मीटर चौड़ी खाई है। खोजकर्ताओं के अनुसार इसकी कला चोल वंश के मंदिरों से मिलती है। मंदिर के निर्माण के कुछ ही वर्षों के उपरांत अंकोर और श्री विजय के मध्य युद्ध हुआ और अंकोर और चोल के मित्र होने के कारण अंकोर ने चोल के साथ रहकर श्री विजय के खिलाफ यह युद्ध लड़ा, पर बाद में चंपा राज्य ने इसको लूट लिया। इसके बाद जयवर्मन सप्तम ने अंकोर नगर को कुछ किलोमीटर उत्तर में पुनर्स्थापित कर दिया। 14वीं और 15वीं शताब्दी में थेरवाद बौद्ध लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। मंदिर के गलियारों और दीवारों पर तत्कालीन सम्राट बलि, वामन, स्वर्ग नरक, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण से संबंधित कई चित्र बने हुए हैं। इन शिलाचित्रों में बहुत संक्षिप्त रामकथा का वर्णन किया गया है, जिसकी शुरुआत रावण वध के लिए देवताओं द्वारा की गई आराधना से होती है। वर्ष 1986 से लेकर 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अंगकोर वाट मंदिर के सर्वेक्षण का जिम्मा उठाया था। 12वीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर को विश्व के ऐतिहासिक धरोहर सूची में भी रखा गया है। विकास और पतन के कई दौर देखने के बाद ये मंदिर देश दुनिया के लाखों करोड़ों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन और आस्था का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।